शनिवार को गोड्डा लखनऊ रेलखंड पर एक हैरतअंगेज घटना देखने को मिली, जब कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग पर जाम के कारण एक कार अनियंत्रित होकर सड़क छोड़कर रेलवे ट्रैक पर दौड़ गई। कार का चालक जब तक कुछ समय पाता तब तक कार क्रॉसिंग से 100 मीटर दूर तक चली गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही सामने से आ रही ट्रेन के चालक ने दूर से ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद ट्रेन करीब एक घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ भीषण जाम लगा रहा। रेलवे पुलिस ने कार को ट्रैक से हटवाकर ट्रेन का संचालन शुरू कराया। गोंडा लखनऊ रेलखंड पर करनालगंज और सरयू रेलवे स्टेशन के बीच में कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग संपार फाटक संख्या 286 स्पेशल है। शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे लखनऊ की तरफ से एक कार आ रही थी, गेट बंद होने वाला था। चालक ने कार की स्पीड बढ़ाकर निकलने की कोशिश की, इसी बीच एकाएक कार की स्टीयरिंग घूम गई, कार अनियंत्रित होकर रेलवे लाइन पर दौड़ पड़ी। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट।